दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है चिकनगुनिया वायरस। चिकनगुनिया वायरस, इसको शॉर्ट फॉर्म में चिक भी कहते हैं। ये एक आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस है जो अर्बो वायरस के कारण होता है। ट्रांसमिट कैसे होता है? तो मॉस्किटो के थ्रू। तो अगर इसका कोई फैमिली पूछे तो क्या हो जाएगा? अर्बो वायरस। जो ट्रांसमिट कैसे होता है? इन्फेक्टेड मॉस्किटो के द्वारा। ठीक है, ये टैगोविरिडी फैमिली है उसका ये अल्फा वायरस है। कौन सा वायरस है? अल्फा वायरस है। ये इसका पिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, चिकनगुनिया डेराइव कहाँ से हुआ है? ये डेराइव हुआ है एक मकोंदी वर्ड से जिसका नाम है डैट्स बीच वेंड। इसका मतलब कि ये जो स्टूप्ड अपियरेंस होता है पर्सन में जो सफरिंग करते हैं चिकनगुनिया से, और इसमें सीवियर ये अल्थ्राल्जिया भी देखने को मिलता है। देखिए, स्टूप्ड वुमन कैस अपियरेंस कैसा है, इस तरह का अपियरेंस होगा। ठीक है, ये आउटब्रेक होता है मेली अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडियन ओशियन आइलैंड में। वेक्टर कौन कौन सा है? तो एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बो पिक्चर। एडीज एल्बो पिक्चर का दूसरा नाम एशियन टाइगर मस्कीटो भी है। ये जो मस्कीटो हैं ये आइडेंटिफाई कैसे होते हैं? तो इनके जो वाइट स्ट्रिप होते हैं ब्लैक बॉडीज पे और लेग्स पे उससे। ठीक है, इसमें जो मस्कीटो हैं पीक फीडिंग टाइम कब होता है? तो ये मॉर्निंग में या संध्या में। ठीक है, ये अग्रेसिव डे टाइम बाइटर हैं। ये मॉस्किटो दिन में ज़्यादा काटते हैं। होस्ट कौन है? ह्यूमन जो होता है वो चिकनगुनिया का प्राइमरी रिजर्वायर होता है। ठीक है, मेन वायरस रिजर्वायर कौन कौन होते हैं? मंकी और अदर प्राइमेट्स में मदर और बर्ड भी इफेक्टेड होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड तो 3 से 7 दिन होता है। रेंज 1 से 12 दिन तक होता है। मेजोरिटी ऑफ पर्सन में जो इन्फेक्टेड होते हैं वो सिम्टोमेटिक होते हैं। सिम्टम्स में क्या क्या आएगा? हाई ग्रेड फीवर ग्रेटर देन 102 डिग्री फारेनहाइट, सीवियर पोली अल्थ्राइजिया। अल्थ्राइजिया मतलब कि ज्वाइंट पेन देखने को मिलेगा, वो भी डिजिटल ज्वाइंट पेन। बैक पेन मिलेगा, हेडेक होंगे, मायाल्जिया होगा और रैसेज मेनली 50% केसेस में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद साइन और सिम्टम में रैसेज देखे दिख रहे हैं, पोली अल्थ्राइजिया, पेरी अल्थ्राइटिस इडीमा, पेनफुल ज्वाइंट, नीचे में फीवर होया हुआ है। सिम्टम्स जो होते हैं ना वो अपने आप 7 से 10 दिन में रिजॉल्व हो जाते हैं। ज्वाइंट पेन और जो स्टिफनेस होता है वो लॉन्गर हो सकता है। अगर अब आता है बात की चिकनगुनिया और डेंगू, इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों का क्या है? तो इसमें जो हमारा डेंगू है वो ज़्यादा ही ये वर्स होता है, इसमें डेथ भी हो सकता है। तो दो डिजीज अगर एक पेशेंट पे एक साथ हो गया, दो डिजीज कैन ऑकर टुगेदर इन द सेम पेशेंट, तब ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे चिकनगुनिया और डेंगू में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तब पेन ज़्यादा इंटेंस और लोकलाइज होगा ज्वाइंट और टेंडन में चिकनगुनिया में। ऑनसेट ऑफ फीवर मोर एक्यूट देखने को मिलता है और शॉर्टर ड्यूरेशन का रहता है। ये और चिकनगुनिया में शॉक और सीवियर हेमरेज रेयरली देखने को मिलता है, मतलब ना के बराबर देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो एक्यूट डिजीज का अगर ट्रीटमेंट करना है और सिम्टोमेटिक है तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब कि रेस्ट करने कहेंगे, आईवी फ्लूइड देंगे, ओआरएस देंगे, एनसीड देंगे। एनसीड क्यों देंगे? तो अल्थ्राइटिस जो हो चुका है, ज्वाइंट पेन हो रहा है, उससे रिलीफ करने के लिए। सीवियर ज्वाइंट पेन जो अनरिस्पॉन्सिव होते हैं एनसीड का, तो नारकोटिक मॉर्फिन या शॉर्ट टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड करने कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे सब एक्यूट और क्रोनिक डिजीज का। तो कन्वोलेंस जिसका जो रिकवरी पीरियड है ना वो प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है, कभी कभी 1 साल भी हो सकता है। परसिस्टेंट जो ज्वाइंट पेन होता है वो मेनली पेन मैनेजमेंट के द्वारा हम इसको सही करते हैं। इसमें हम लॉन्ग टर्म एंटी इन्फ्लामेटरी थेरेपी करते हैं। इसमें क्या होगा? अदर डिसेबली पेरिफेरल अर्थराइटिस रिफ्रैक्टरी कौन कौन से दे सकते हैं, मतलब कि अगर एनसीड से सही नहीं हुआ,
कॉर्टिकोस्टेरॉइड से सही नहीं हुआ तो फिर हम देंगे इंट्रा आर्टिकुलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड, टॉपिकल एनसीड थेरेपी करवाएंगे और ग्रेजुनेटेड फिजियोथेरेपी भी कराएंगे। ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? तो इसका कोई स्पेसिफिक वायरल ये ड्रग नहीं है, ठीक है। ट्रीटमेंट मेनली सिम्टम के अनुसार होता है। पारासीटामोल ड्रग ऑफ चॉइस है क्योंकि फीवर इसमें स्टार्टिंग में ही देखने को मिलता है। एक्यूट स्टेजेस में मेनली स्टेरॉयड हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो स्टेरॉयड है उसके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। ट्रीटमेंट प्रिंसिपल एस्पिरिन को अवॉइड किया जाता है क्योंकि इसके कारण ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और अदर साइड इफेक्ट जैसे कि रहीज सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। पैंडेमिक के समय मेनली ऑल केसेस शुड बी सब्जेक्टेड फॉर वायरोलॉजिक एंड सीरोलॉजिक इन्वेस्टिगेशन। एपिडेमिक में हम उसका क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। जितने भी सस्पेक्टेड केस हैं उनको कहेंगे आप मस्कीटो नेट का यूज कीजिए। मेनली जब फेवराइल पीरियड होता है उस समय, फेवराइल पीरियड कहने का मतलब है जब फीवर आ जाता है। आत्मा कम्युनिटी जो अफेक्टेड एरिया है उसमें सेंसिटाइजेशन करवाएंगे, कहेंगे कि मस्कीटो नेट कर लगा कर सोइए। माइल्ड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करने कहेंगे, फिजियोथेरेपी यूज करने कहेंगे। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट में हम लोग को कोई सीरोलॉजी के वायरल कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका डायरेक्ट ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू सिम्टम स्टार्ट कर देना चाहिए। आउटकम्स क्या होंगे इसमें, मॉर्टेलिटी मतलब डेथ रेयरली देखने को मिलता है, ठीक है, उनमें ही हो सकता है जो या तो एल्डर हो या इम्यूनो सप्रेस्ड हो, ठीक है। रिकवरी विदाउट सिक्वेली, इसमें रिकवरी देखने को मिलता है अपने आप। अगर क्रोनिक हो जाए तो ये एक मंथ से एक साल तक रह सकता है। पॉपुलेशन कौन से ज़्यादा रिस्क के होते हैं, जो 65 साल से ज़्यादा हो, एल्डर पीपल में जिनमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, इम्यूनो कॉम्प्रेस्ड पेशेंट जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज या रीनल डिजीज हो, नियोनेट्स मेनली इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो मेन टाइप ऑफ प्रेबलेटरी टेस्ट किया जाता है डायग्नोसिस के लिए, जैसे कि वायरल आइसोलेशन, ये विद इन 3 डेज ऑफ इलनेस किया जाता है। RT-PCR 1 से 8 दिन तक में कर सकते हैं। सीरोलॉजी केस से 4 दिन के बाद आफ्टर इलनेस कर सकते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, किसको डायग्नोसिस करेंगे, WHO टेस्ट करता है अगर के अनुसार, WHO के अनुसार अगर किसी को एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर हुआ है, सीवियर अल्थ्राजिया अल्थ्राइटिस है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें मेनली वेजिटेड इपिडेमिक देखा जाता है या एंडेमिक होता है। इसमें 2 वीक के अंदर ही ये पता चल जाएगा ऑनसेट ऑफ सिम्टम। कंसिडर टेस्टिंग किया जाता है चिकनगुनिया का, अगर क्लस्टर ऑफ पेशेंट मैंने बहुत सारे पेशेंट हैं जो फेवराइल हैं और सीवियर जॉइंट पेन हो रहा है, तब कंसिडर किया जाता है किनको, चिकनगुनिया। ऐसे तो इसके लिए प्रिवेंशन में कोई भी वैक्सीन नहीं है, तो रिड्यूस करते हैं ह्यूमन वेक्टर कॉन्टैक्ट, मतलब कि जिनको होया हुआ है उनको मस्कीटो नेट यूज करने कहते हैं ताकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने से बचा सकें। उसके बाद और इसका प्रिवेंशन फोरेज से किया जाता है, जैसे कि मस्कीटो है तो उसका लार्वा भी तो होगा ना, तो उसको सर्च करें और डिस्ट्रॉय करें। उसके बाद सेल्फ प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज करें, स्टार्टिंग होते ही कंसल्टेंट से जाके मिलें। उसके बाद से नो टू इनडिस्क्रिमिनेट फॉगिंग को इनडिस्क्रिमिनेट नहीं करें। तो ये फॉगिंग क्या है, ये फॉगिंग ऑपरेशन फेल हो सकता है अगर मस्कीटो, जो फॉगिंग होता है ना, जैसे कि देखते हैं कहीं पर भी मस्कीटो मरने के लिए ये फॉगर बर्कर होते हैं, मतलब धुआं छोड़ते हैं, तो इसको मेनली जहाँ पे एपिडेमिक होता है या एंडेमिक होता है वहाँ पे फॉगिंग को हाँ कहना चाहिए, ठीक है।